दोस्तों इंडियाज बेस्ट आंसर सीजन 4 की सभी परफॉर्मेंसेस के बाद वो घड़ी आई जो पूरे शो का सभी के लिए मुश्किल पार्ट होता है, यानी शो का पहला डबल एलिमिनेशन। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पिछले वीक रेमो सर की वजह से एलिमिनेशन रद्द कर दिया गया था, तो आज किन्हीं दो कंटेस्टेंट को शो छोड़कर जाना पड़ेगा। तो गाइस टॉप 12 में से कौन है वो दो कंटेस्टेंट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। सो आपको पता होगा कि लास्ट वीक बॉटम में थे निखिल पटनायक एंड वैष्णवी, बट दोनों को ही सेव कर लिया गया था। एंड इस वीक जजेस के स्कोर्स के अकॉर्डिंग ऐसे दो कंटेस्टेंट बॉटम में हैं जिनकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इस हफ्ते सबसे लो स्कोरर कंटेस्टेंट हैं नेक्शन एंड अकीना। दोनों ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं एंड दोनों ही वो कंटेस्टेंट हैं जिन्हें पहली बार परफॉर्मेंस में 30 स्कोर नहीं मिल पाया, यानी शो में अब तक इन्हें हर परफॉर्मेंस में फुल मार्क्स मिले हुए हैं। बट एलिमिनेशन तो लो कंटेस्टेंट्स के बीच में ही होना होता है, लेकिन हम आपको बता दें तो इस बार भी एलिमिनेशन नहीं किया गया, यानी जो लो स्क्रोलर कंटेस्टेंट हैं वो इस वीक भी सेफ रहेंगे। वैसे शो अब इस पड़ाव पर आ गया है कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन तो होना चाहिए था, लेकिन हमारे दोनों कंटेस्टेंट इस बार भी सेफ हैं। बाकी आपके हिसाब से शो से कौन जाना चाहिए कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंडियाज बेस्ट आंसर सीजन 4 की कोई भी अपडेट मिस ना हो।